कागजों पे रहेगी, अगर ये कागजों पे रहेगी तो पता है क्या होगा, फिर खोने को कुछ बचेगा नहीं और बचा भी नहीं, लाशें उठानी पड़ रही, इससे ज्यादा क्या होगा। मैंने यूएनओ को भी लेटर लिखा है, यहां की सरकार से कोई मांग नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो करा रहे हैं, जो कर रहा है उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो बचाएगा। उम्मीद है कि बाहर के लोग सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो फिर इस देश की जनता तो तैयार है। मुझे साथी कॉमरेड का मैसेज आया कि हम मार्च निकाल रहे हैं और फिर अपनी बात भी रखेंगे जंतर मंतर पे जाके या रामलीला ग्राउंड जहां फाइनल होगा। तो हमने कहा ठीक है, कुछ लोग तो जिंदा है, कुछ लोग तो हैं जो अपनी बात को कह पा रहे हैं। बाबा साहब ने यही समझाया था कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता। तो अभी मेरा एक और भाई ये बोल रहा था कि शब्द कहां से लाएं, वो क्या बोलें, क्या भाषण दे, सच में कुछ नहीं है बोलने को, लाचार नजर आ रहे हैं। ऐसा देश नहीं मांगा था हम लोगों ने, ऐसे देश के लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, जिसमें आदमी आदमी के खून का प्यासा हो जाए। मैं बस अपने कुछ दिली जज्बात आपसे शेयर करूंगा, आज कुछ नहीं है बोलने को। आंदोलन क्यों जरूरी है, इतिहास बनते हैं और याद रखे जाते हैं, और आपका इतिहास, आपका वर्तमान, आपका भविष्य, आने वाली पीढ़ियां जब उसे पढ़ती है, उस जज्बे को, उस संघर्ष को महसूस करती है, तो अपने अंदर एक संकल्प लेती है। और इसी भावनाओं के साथ कुछ लोग लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, और ये जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन का एक संकल्प लेके बाबा साहब अंबेडकर, गुरु नानक देव, संत स्वामी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, पेरियार साहब, ज्योतिबा फूले साहब, डॉक्टर फरीदी, माँ फातिमा शेख, बिरसा मुंडा, गुरु नारायण स्वामी, संत गाड़गे जी महाराज, मान्यवर साहब श्री काशीराम, लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। डेमोक्रेसी है, और ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हम बोल नहीं सकते, हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम सड़क पर नहीं आ सकते, हम आजादी से घूम नहीं सकते, हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब कहां बनता है। जिस संविधान को मैंने पढ़ा, जो बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे देश के लिए एक व्यक्ति को बराबर के अधिकार देने के लिए लिखा, वो तो नहीं चल रहा है मुल्क में। अगर वो है तो उसमें जो पुलिस की जिम्मेदारी थी दिल्ली में क्यों नहीं निभाई गई, अगर वो है तो गृह मंत्री जी ने ये जो गृह युद्ध हुआ देश में क्यों नहीं रोका, क्यों जाति करवाई। हजारों वीडियो है, पुलिस के लोग दंगाई से भी ज्यादा बलवान हो गए, पत्थर मार रहे हैं, अभी रिपोर्ट्स आएगी किसकी बुलेट से मरे हैं लोग, और बुलेट से मरने वाले लोग कौन है। मैं भी देखना चाहूंगा कब चर्चाएं होंगी, कब बहस होगी। सबको पता है दंगा किसने करा, मैंने कराया हो तो मुझे गिरफ्तार करो, अगर इस मंच पे कोई और बैठा उसने कराया तो गिरफ्तार करो,
और अगर तुम्हारे लोगों ने करा हो सरकार के लोगों, तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाओ, और नहीं गिरफ्तार कर सकते तो कम से कम झूठ फैलाना तो बंद करवाओ। क्या हम नहीं जानते कि यह षड्यंत्र क्यों हुआ? क्या हम नहीं जानते कि आंदोलन का विरोध आप पे देखा नहीं जा रहा है? क्या हम नहीं जानते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सीए एनपीआर एनआरसी के खिलाफ लोग सड़क पर हैं? क्या हम नहीं जानते हैं कि छल शाम दाम दंड भेद लगाकर आप हमेशा ही करते आए? क्या हम नहीं जानते हैं कि किस षड्यंत्र के थ्रू 24 तारीख को दिल्ली जलाई गई? हम सब जानते हैं। मैं गया था अभी लखनऊ, मिनट हुई होंगी जाके लखनऊ में, बहुत सारे पुलिस के साथी आते हैं और हमारी गाड़ियों में आके बैठ जाते हैं और लेके जाते हैं गेस्ट हाउस, और गेस्ट हाउस जाकर कोई जगह नहीं, गेट बाथरूम बैक साइड बाहर की तरफ कोई जगह नहीं छोड़ते जहां पुलिस के लोग ना हो। वो पूछे बात क्या है, आप बाहर निकलोगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। कमाल है यार, दंगाई खुलेआम घूमते हैं, वो पीस मार्च निकालते हैं, उनके साथ प्रोटेक्शन घूमती है, यहां नहीं पता कोई सरफिरा आके गोली चला देगा, हमें नहीं पता कि किससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। मैं आपको सलाम करता हूं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में, इतने शोषण के बाद, और इस आयोजक पूरी कमेटी को मैं सलाम करता हूं कि आप लोग घर से बाहर निकले, और पूरी दुनिया को जैसे साइन बाग की दादियों से पूरी दुनिया सीख ले रही है, वैसे ही आपको भी याद रखा जाएगा। मैं बार बार जिक्र करता हूं कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये मुल्क को बचाने की लड़ाई, ये इस मुल्क की एकता को संजो कर रखने की लड़ाई, जीतेंगे तो जरूर, लेकिन बड़ी सच्चाई और ईमानदारी और जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि जीत का सूर्य देखने के लिए कौन कौन लोग रहेंगे ये नहीं पता है, लेकिन याद रखिए जो लोग रहेंगे वो लिखेंगे, उनकी कलम फिर चलेगी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि 1000 तलवार और एक कलम, और जब ये कलम चलेगी और आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कि जब कुछ लोग, चंद लोग मिलकर इस देश को जला रहे थे, इस देश को तोड़ रहे थे, तो कुछ ऐसे भी परवाने थे, कुछ ऐसे भी सिपाही थे जो इस मुल्क को बचाने के लिए हर कीमत में कुर्बानी देने को तैयार थे। अब मैं सरकार से एक दरखास्त करूंगा, मीडिया के लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं है हमें, आपकी कलम चलती है बहुत है, मेरी सरकार से एक दरखास्त है, हम मुल्क को बर्बाद होते नहीं देख पा रहे हैं, आप एक कोई नया कानून बनाइए जिसमें इस मुल्क में सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के शरीर का एक कतरा अलग अलग किया जाए और उसको इस देश की मिट्टी में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि जब यह मुल्क बर्बाद करने के लिए सारी ताकतें लगी हैं, तो हम ये तय करके आए कि अब कुर्बानी, अब बलिदान देने का समय है, अब पीछे नहीं हटा जाएगा। तो सरकार कोई नया कानून बना दे, फांसी से भी बड़ा एक कानून बनाए इन लोगों के लिए जो अपने मुल्क को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और जगह निश्चित करें, काले पानी से भी ज्यादा दूर एक जगह निश्चित करें, जो बच जाए उन्हें वहां रखा जाए। लेकिन याद रखना, जब अंग्रेज, चंद अंग्रेज और उनके कुछ चाटुकार इस देश को बर्बाद करने पे, इस देश को गुलाम बनाकर राज करने पे तुले थे, तब इस देश की बड़ी जनता तो सो रही थी, लेकिन जब कुछ परवानों ने आग जलाई, आजादी की चिंगारी लगाई, तो जिस दिन देश की जनता ने जागना शुरू किया, तो अंग्रेजों को उल्टे पैर यहां से दौड़ना पड़ा था। फिर इतिहास दोहराया जाएगा, इतिहास के पन्ने वो खून से लिखे गए क्रांतिकारियों के, वो माफी नामों से नहीं लिखे गए साहब।
एक क्रांतिकारी का माफीनामा नहीं है उसमें, उसमें हमारे क्रांतिकारियों का खून है और वो खून हमें ताकत देता। अभी उमर कह रहे थे और सुचेता कॉमरेड भी हमारी कह रही थी, बोले अब मीडिया के लोग चला रहे हैं तो अब कपिल मिश्रा, अभय मिश्रा, अभय क्या नाम है वर्मा, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी गायब है उस लिस्ट से। अब कुछ और लोग हैं जिनको कहा है कि इन्होंने भड़काया। इस मुल्क को बचाने के लिए अगर आंदोलन करना, सड़क पर आना, आवाज देना, इकट्ठे होना अगर अपराध है तो ये अपराध आप याद रखिए कि ये अपराध किया जाएगा, रोज किया जाएगा और तब तक किया जाएगा जब तक ये लड़ाई जीती नहीं जाती। और ये भी सही बताया गया कि हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। विचारों के सामने अब बंदूकें लाई गई हैं। स्वागत है आप लोगों का। मैं ये भी जानता हूं कि सरकार पे बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन ये भी सच है कि प्रेम इंसानियत से बड़ा मजम नहीं कोई, और इस प्रेम से बड़ी और अपने मुल्क से बचाने, अपने मुल्क को बचाने के प्रति जो ताकत हम लोगों में है उससे बड़ी भी कोई ताकत नहीं। और अब ये युवाओं पे है जिम्मेदारी। मैं बहुजन मूवमेंट में काम करता हूं लेकिन ये मुल्क को बचाने की लड़ाई, मैं सबसे कहना चाहता हूं हम युवा कोरी किताब है, जो लिखा जाएगा वो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। अब आप तय करें कि इस मुल्क को बर्बाद होने को होते हुए देखना है या फिर ऐलान करना है कि बहुत हुआ। हम यूनिवर्सिटियों में हैं, हम कॉलेज में हैं, हम गांव में हैं, हम शहर में हैं, हम कस्बों में हैं, हम देश में हैं, हम प्रदेश में हैं, और हम वहां हैं जहां आंकड़े सरकार के पास है कि एक इस देश में सबसे ज्यादा युवा है। और मैं सलाम करता हूं उन बहनों को कि जो ना पुलिस की लाठी से डरती हैं, ना गोली से डरती हैं, ना मुकदमों से डरती हैं और सबसे आगे रहती हैं। अब जिम्मेदारी बनती है कि युवा घर से बाहर निकले और ऐलान करे सरकार के खिलाफ कि जब गौरों को यहां से भागना पड़ा था तो ये जो गौरों के चाटुकार हैं ये कितनी जल्दी यहां से जाते हैं, इसकी कमान हमें संभालनी पड़ेगी। यहां के आयोजक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद। इतना ही है, मिलिए, एकजुट हो जाइए, हाथ पकड़िए एक दूसरे के और बचा लीजिए मुल्क को। ये साझी शहादत, साझी विरासत, साझी नागरिकता ये कागजों में अच्छी नहीं लग रही है, ये जमीन पे भी आनी चाहिए। अगर ये कागजों पे रहेगी, अगर ये कागजों पे रहेगी तो पता है क्या होगा, फिर खोने को कुछ बचेगा नहीं और बचा भी नहीं, लाशें उठानी पड़ रही है, इससे ज्यादा क्या होगा। मैंने यूएनओ को भी लेटर लिखा है, यहां की सरकार से कोई मांग नहीं करूंगा क्योंकि वो तो करा रहे हैं, जो कर रहा है उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो बचाएगा। उम्मीद है कि बाहर के लोग सुनेंगे और नहीं सुनेंगे तो फिर इस देश की जनता तो तैयार है ही। अब युवाओं के हाथ में कमान है अपने मुल्क को बचाने की, अपनी नागरिकता को बचाने की, अपने अधिकारों को बचाने की और सरकार को बताने की हम जिंदा है, क्योंकि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।